आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस की जो हमारे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और जिसका करेक्ट यूज़ नहीं जानने की वजह से हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। इसलिए मैंने इसका हेडिंग ही दिया है, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी चर्चा होगी। तो मैंने कुछ ऐसे सवाल इसमें शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको शुरू से लास्ट तक इसको ज़रूर देखना है और साथ में ही पेन और कॉपी जो नोटबुक है आप अपना लेकर के बैठिए और इसको नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है ए कि चाइना इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्या यह कहना सही है? यह कहना बिल्कुल गलत है। जो प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इन, वो बिल्कुल गलत है। चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया बोलेंगे, ना कि इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी इन के जगह पे टू सही है। नंबर टू की बात कर लें, टू लर्न वर्ड बाई वर्ड एक स्लैंग है जिसका इस्तेमाल स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं होती है, तो आई हैव लर्न द लेसन वर्ड फॉर वर्ड होगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ थ्री, सीट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे द शेड ऑफ नहीं लगा हुआ है तो ये सही है। सीट अंडर अ ट्री, आई सीट अंडर अ ट्री, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसके साथ शेड लगा दो, शेड का मतलब होता है छाया, तो इसका जो प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो वो अंडर के जगह पे क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, यानी आई सीट इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ के छाया में बैठते हैं। तो पेड़ जब छाया बनाता है तो एक एरिया हो जाता है, और एरिया के अंदर में अगर हैं आप तो यू आर इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है, ऐसा याद रखना है, और शेड अगर नहीं है तो अंडर अ ट्री होता है। तो आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, ऐसे ही सही है, बट आई एम सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। अक्सर हम लोग जैसे ही ट्री देखते हैं अंडर लगा देते हैं। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अंडर होगा, लेकिन ये गलत है, इन द शेड ऑफ अ ट्री याद रखना है आपको। आगे देखें, राइट विद इंक नहीं होता है, राइट इन इंक होता है, लेकिन इंक के जगह पे अगर यहाँ पे पेन होता तो राइट विथ पेन होता है, याद रखिएगा। राइट विथ पेन, राइट विद अ पेंसिल, ऐसा भी हो सकते हो, तो राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल हो सकता है, बट राइट इन इंक होता है। हालांकि पेंसिल के साथ भी पहले इन ही लगता था ओल्ड ग्रामर की बात करें, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इसके साथ विद लगता है, यानी पेंसिल के साथ विद लगता है। आप कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई मेट हिम इन द वे, ये गलत है। आई मेट हिम ऑन द वे, आई मेट हिम ऑन द वे टू द स्टेशन, यानी स्टेशन जाने वाले रास्ते में मैं उससे मिला, तो आई मेट हिम ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता है। चूँकि हिंदी में इसका मतलब होता है रास्ते में मिला, तो लोग समझ जाते हैं कि इसके साथ इन लगेगा, लेकिन ये गलत है, सही है ऑन द वे। आई एम डिफरेंट देन यू, ये गलत है। सही जो इस्तेमाल होना चाहिए, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे बिल्कुल अलग हूँ। और डिफर इसके लिए लगा सकते हो, डिफर के साथ भी क्या लगता है, डिफर फ्रॉम समबडी, इन समथिंग, ऐसे। तो डिफर के साथ भी फ्रॉम होता है, डिफर के साथ विद होता है, किस हिसाब से है तो बात करेंगे अगले वीडियो में। वीक, गुड, बैड भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो इफ समबडी इज वीक, गुड, बैड, तो इन अ सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आई एम गुड इन इंग्लिश, ये गलत है। आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम वीक एट इंग्लिश, आई एम बैड एट इंग्लिश, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ गुड या फिर वीक होने की बात होगी वहाँ पे आपको ऐट लगाना है, ना कि इन लगाना है। तो गुड इन इंग्लिश, बैड इन इंग्लिश, बैड इन मैथमेटिक्स, ये गलत है। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स बोलो, ना कि सॉरी वीक इन नहीं, वीक एट मैथमेटिक्स बोलो। नेक्स्ट वी हैव टाइम इन द वॉच। इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये गलत है। इंस्टेड ही शुड हैव आस्क्ड, उनको पूछना चाहिए था व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो बाय योर वॉच होगा, ना कि इन योर वॉच। हम लोग अक्सर ये समझ जाते हैं कि आपके घड़ी में कितना बजा, और जब में आता है तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे इन होना चाहिए, बट टाइम बाय द वॉच होता है, ना कि इन द वॉच। आपके घड़ी के द्वारा कितना बजा बजाया गया उसकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, टू ओपन अ बुक, आप अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को बोलते हो प्लीज़ ओपन द बुक ऑन अ पर्टिकुलर पेज नंबर, किसी खास पेज नंबर पे खोलने के लिए बोलते हो तो ऑन लगा देते हो, ये गलत है।
आपको बोलना चाहिए कि प्लीज़ ओपन योर बुक एट अ पार्टिकुलर पेज नंबर, जो भी पेज नंबर है, एट पेज 20, 50 जो भी है, तो यहाँ पे ऐट का इस्तेमाल होगा, ना कि ऑन का। आगे देखते हैं, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। पार्ट का मतलब तो ऐसे भाग होता है, बट यहाँ पे सेपरेशन है, अलगाव की बात कर रहा है। यानी पार्ट का मतलब जुदा होना, अलग होना। और जब आप किसी व्यक्ति से जुदा होते हो तो पार्ट फ्रॉम समबडी लिख लीजिएगा। पार्ट के साथ फ्रॉम कब यूज़ होगा? जब आप किसी व्यक्ति से जुदा होते हो। आई पार्टेड विद माई मदर, ये गलत है। आई पार्टेड फ्रॉम माई मदर, मदर इज समबडी। और जब आप समबडी से जुदा हो रहे हो तो पार्ट फ्रॉम समबडी होता है। आई पार्टेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स से मैं जुदा हो गया तो फ्रॉम लगाएंगे, ना कि पार्टेड विद माई पेरेंट्स। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से जुदा हो जा रहे हो, जैसे पार्टेड फ्रॉम बिलोंगिंग्स गलत है, पार्टेड विद बिलोंगिंग्स हो सकता है, पार्टेड विद गोल्ड हो सकता है। गोल्ड क्या है? समथिंग है ना। तो अ माइजर, जो माइजर होता है, कांट पार्ट विथ गोल्ड। एक माइजर जो है वो अपने आप को अपने गोल्ड से जुदा नहीं कर सकता है, तो पार्ट विथ लग जाएगा। आप किसी एनिमल से जुदा हो रहे हो, जैसे डॉग है, गोट है, बकरी है। जैसे आई कांट पार्ट विथ माई गोट, मैं अपने गोट से अलग नहीं हो सकता। इन शॉर्ट यू शुड रिमेंबर पार्ट फ्रॉम समबडी और पार्ट विद समथिंग और एनिमल। जब जानवर और किसी वस्तु से जुदा होते हैं तो आपको विद लगाना है, व्यक्ति से जुदा होते हैं तो फ्रॉम लगाना है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 12। कहीं भी प्रेफर या प्रेफरेबल लगा हुआ हो, प्रेफरेबल, तो इसके साथ हमेशा टू लगता है। जैसे टी इज़ प्रेफर प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, टी इज़ प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। यानी किसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? टी को। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, ये गलत है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये सही है। तो प्रेफर के साथ या प्रेफरेबल के साथ कहीं भी आप लगाओ तो टू लगाओ, ना कि देन होगा। उसी प्रकार कोई भी वर्ड अगर ओ आर से एंड होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, ओ आर जिसमें आ रहा है उसके साथ हमेशा टू लगता है बाबू। सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, यानी जहाँ पे ओ आर से एंडिंग वर्ड है, ये सब लैटिन वर्ड्स होते हैं जो ओ आर से एंड हो रहे हैं, और इनके साथ आपको हमेशा टू लगाना है। आई एम जूनियर देन यू नहीं, आई एम जूनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, ना कि सीनियर या जूनियर देन। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसका दो एक्सेप्शन है, माइजर, सॉरी मेजर और माइनर। तो मेजर या माइनर जो भी आएगा वहाँ पे आपको टू नहीं लगाना है, एक कोई प्रिपोजिशन नहीं लेगा। आगे बात करें अगर 14 की, तो 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना। टॉक, यहाँ पे जब टॉक वर्ब की तरह इस्तेमाल होने लगे, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ, तो जब टॉक का इस्तेमाल वर्ब की तरह होता है तो याद रखिएगा कि इसके साथ टू लगता है, आई टॉक टू यू। बट टॉक का इस्तेमाल नाउन की तरह होने लगे, जब इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होगा तो आपको इसके साथ विद लगाना होगा, आई हैड अ टॉक, ब्लैंक है हिम, आई हैड अ टॉक, ब्लैंक है हिम। अब आपको जज करना होगा कि टॉक यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ या नाउन की तरह। तो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ देख सकते हैं आप, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, पता होगा, आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करता है। तो टॉक यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको विद लगाना है, ना कि टू लगाना है। तो आई हैड अ टॉक विद हिम, ऐसे। तो नाउन की तरह तो विद लगाना है, और जब वर्ब की तरह रहेगा तो टू लगाएंगे। यहाँ पे चूंकि टू प्लस वी वन या वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि इसके साथ टू लग जाएगा। बात करते हैं आगे नंबर 16 की। नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो 16 इसको पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वेटेड मतलब होता है वरी कर देना, फ्रॉम अ चार्ज, किसी को चार्ज से वरी करना। फ्रॉम इसके साथ नहीं लगेगा, इसके साथ क्या होगा? ऑफ। तो किसी को चार्ज से अगर आप वरी कर देते हो, जिसको आरोप लगे थे उससे उसको छोड़ देते हो, मुक्त कर देते हो, तो इसके साथ ऑफ लगाना है। और एक्यूज़ के साथ भी ऑफ लगता है, जब आप किसी को क्या करते हो, दोषी ठहराते हो, तो दोष से अगर आप किसी को मुक्त कर देते हो तभी आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। किसी पे आरोप लगा रहे हो
तभी आपको ऑफ़ का यूज़ करना है। आगे देखिए, ऐसे ट्रांसलेट के साथ इनटू लगता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश बोलते हैं, बट एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब ट्रांसफ़र करना रहता है यानी ट्रांसलेट करना रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको टू लगाना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी नहीं, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी बोलेंगे। ऐसे भी फ्रॉम के साथ टू लगता है, आपको पता होगा। तो जहाँ फ्रॉम लगा हुआ है उसके बाद टू, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे इनटू फ्राइडे थोड़ी बोलते हैं। सिंस टाइम इमेमोरियल, ये बहुत बार आते रहता है, तो सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं होता है, बहुत लंबे समय की बात जब पुरानी बातें करता है तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं होता है। अब देखिए क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइम ऑन अ ट्री अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, गलत, ही क्लाइम्ड अ ट्री कह सकते हो, या फिर कह सकते हो ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, तो क्लाइम अप कह सकते हो, लेकिन क्लाइम ऑन आप नहीं कह सकते हो, या क्लाइम अ ट्री बोला जा सकता है। आई हैव अ ग्रेट थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल गलत है। आई हैव अ थर्स्ट मतलब प्यास है किस चीज़ की, नॉलेज की, तो यहाँ पे फोर लगेगा ना कि ऑफ लगेगा। अगर कोई आदमी अंधा है आँख से, तो आँख से अंधा है तो इन लगाएंगे, ब्लाइंड इन आई, वन आई। लेकिन अगर कोई आदमी देख करके अनदेखा कर देता हो किसी चीज़ को, जैसे ही इज़ ब्लाइंड, वह क्या है, ब्लाइंड है, तो ही इज़ ब्लाइंड। अब यहाँ पे ब्लैंक है, खाली स्थान छोड़ दिया गया है, आपको भरना है प्रेपोजिशन से, तो इन लगेगा या टू लगेगा। ही इज सन्स फॉल्ट, उसकी जो उसका जो बेटा है उसके गलती को क्या कर दे रहा है, अनदेखा कर दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे लगाना है ब्लाइंड टू ही सन्स फॉल्ट, यानी अपने बेटे की गलती को क्या कर दे रहा है, वो अनदेखा कर देना है। तो यानी कि ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट ऐसे याद रखिएगा, ब्लाइंड इन वन आई या आइज, आँख से अगर अंधा है तो इन लगाना है, और जब देख करके भी अनदेखा कर दे रहा हो तो ब्लाइंड टू, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, वो अपने बेटे की गलती को क्या कर दे रहा है, उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अक्यूज्ड ऑफ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, इसके साथ विद नहीं लगता है, इसके साथ भी ऑफ लगता है। टू जम्प एट द कंक्लूजन, ही जम्प एट द कंक्लूजन नहीं, टू जम्प टू द कंक्लूजन होता है, यहाँ पे द छूटा हुआ है, तो टू जम्प टू द कंक्लूजन होगा, एट द कंक्लूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, बट जम्प टू ऑफर नहीं होता है, जम्प एट द ऑफर, ही जम्प एट द ऑफर ऐसा बोलेंगे। ब्रेक इन टू पीसेस नहीं होता है, ब्रेक टू पीसेस, जैसे द कप हैज़ ब्रोकन इन टू पीसेस अक्सर हम लोग बोल देते हैं, बट सही है द कप हैज़ ब्रोकन टू पीसेस। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लीन होना, इसके लिए एक और वर्ड आता है इनग्रोस्ड, डी है यहाँ पे। इनग्रोस्ड का मतलब ये होता है लीन होना, और जब किसी चीज़ में लीन है या तल्लीन है आप, तो ऐसे स्थिति में आप इसके साथ प्रेपोजिशन इन लगाएंगे, तो ही इज़ इनग्रोस्ड इन मेडिटेशन कह लो, इन स्टडी कह लो, या फिर ही इज़ यहाँ पे जो वर्ड आया है एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, यानी उसमें लीन होना, तो जहाँ पे लीन है वहाँ पे इन लगाना है, तो एब्जॉर्ब्ड या फिर आप कह लो इनग्रोस्ड, तो उसके साथ आप इन हो लगाएंगे। कभी भी आप कॉन्ग्रेचुलेट करो या कॉम्प्लीमेंट दो किसी को, कॉम्प्लीमेंट के लिए या फिर कॉन्ग्रेचुलेट के लिए, वहाँ पे आपको ऑन लगाना होता है। सुनने में हालांकि ये गलत नहीं लगता है, अच्छा लगता है, कि जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर हिज फॉर माय सक्सेस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ही मी ऑन माय सक्सेस बोलेंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस नहीं, ऑन हिज सक्सेस बोलेंगे, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माय सक्सेस। तो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो या फिर वहाँ कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात हो, किसी को बधाई देने की बात हो, तो वहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑन यूज़ करते हैं, ना कि कोई दूसरा प्रिपोजिशन फॉर या कुछ और, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन हिज सक्सेस होता है। टू बी सिक फ्रॉम लाइफ, सिक ऑफ ए फ्रेज की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है उब जाना। आई एम सिक, जैसे ही इज़ सिक ऑफ हिज लाइफ, मतलब क्या, वो अपने ज़िंदगी से उब गया है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, चिल्ड्रन फ्रॉम वंस वाइफ नहीं होता है,
कि दे आर चिल्ड्रेन फ्रॉम माई वाइफ, ऐसा नहीं बोल सकते हो, दे आर चिल्ड्रेन बाई माई वाइफ होगा, यानी बाई वंस वाइफ होता है, ना कि फ्रॉम वंस वाइफ। नेक्स्ट, कभी जो बर्ड होता है वो नेस्ट बनाते हैं अपने, और जो बनाते हैं ऑन द ट्री नहीं बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इन द ट्री बनाते हैं। ऑन का मतलब हो गया पूरी एकदम ऊपर चला जाना, तो कभी भी आप बैठते हो, आप ट्री पे चढ़े हो, ट्री पे चढ़ करके जो बैठते हो, तो यू सीट इन द ट्री ना कि ऑन द ट्री। मंकी इज सीटिंग इन द ट्री ना कि ऑन द ट्री। तो मंकी वगैरह जहाँ बैठता है तो इन द ट्री होता है वो, बट वहाँ पे रहता है ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री। अगर ट्री का ब्रांच पे बैठा हुआ है तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री कहा जा सकता है, बट ट्री पर हम लोग नहीं बैठते, ट्री में बैठते हैं, याद रखना है। तो इन द ट्री होता है मतलब जो पत्ते होते हैं उसके नीचे बैठे हुए थे ना, ऊपर का मतलब हुआ एकदम सबसे ऊपर चला जाना। तो ऐसा थोड़ी ना आदमी बैठ सकता है, या फिर कुछ ऐसा हेवी, हाँ बर्ड वगैरह बैठ सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है इन द ट्री ना कि ऑन द ट्री। नेक्स्ट वी हैव फुल विथ वाटर। फुल विथ वाटर नहीं हो सकता है, फिल्ड विथ वाटर हो सकता है, या फुल ऑफ वाटर कह सकते हो। अगर फुल लगा रहे हो, फुल लगाने का मतलब है फुल लगा रहे हो, तो यहाँ पे फुल ऑफ वाटर कहना गलत नहीं होगा। तो फील्ड विथ वाटर हो सकता है या फुल ऑफ वाटर होता है। और जहाँ पे फील्ड का सेंस देना है तो विसेट भी लगा सकते हो, विसेट के साथ भी विथ लगता है। नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन आई थिंक, या इट इज टू गो टू सम प्लेस इन ट्रेन। याद रखिएगा, जब आप कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो जाने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा बाई लगाना होता है। जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, यानी कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो बाई लगाते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेन के पहले अ लगा हुआ रहता, अ ट्रेन, तो यहाँ पे बाई के जगह पे ऑन अ ट्रेन हो जाएगा, यानी आर्टिकल लगा हुआ रहता तो ऑन अ ट्रेन हो जाता। अगर ट्रेन की जगह पे कार होता तो आ कार होता, तो इन अ कार होता। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो बाई कार बोलेंगे। तो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन तब तक होता है जब तक इसके पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगा हुआ हो। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे जो आपको पढ़ाया गया यहाँ पे, और जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।